वेलकम बैक अवर चैनल जननी की शर्मा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो हैप्पी छोटी दीपावली, छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और छोटी दीपावली के दिन हमारे हाथ में झाड़ू और हम कर रहे हैं सफाया। किनका सफाया? बच्चों का नहीं, घर का। तो यहाँ पे नाना जी फिर कर रहे हैं सेटिंग चेंज, जो कि आप देख सकते हो। कहते हैं ना, इसको चुल रहती है सेटिंग करने की, मुझे नहीं रहती, इनको रहती है। अब ऐसे कर लो, अब वैसे कर लो, ये देखो बोलेंगे थंबनेल के लिए फोटो ले ले मेरी। चलो तो गाइज, यहाँ पे शर्मा जी लगा रहे थे पर्दे, क्योंकि एक पर्दा बीच में कम था ना, इसी की वजह से निकाला हुआ था। लेकिन अब सर्दी है आगे, तो सर्दी की वजह से शर्मा जी ने एक पर्दा कम था वो भी पूरा लगा दिया। और उसके बाद पता नहीं शर्मा जी को क्या हुआ, क्या फिर ना सेटिंग चेंज करते हैं, ये वाला बेड बाहर लेके आते हैं। और विश्वास नहीं करोगे, ये बेड पूरा मतलब मैंने ऊपर तक भर रखे हैं बेड को, दोनों तरफ से दीवान फूल हो रखे हैं। अब भरे भरे बेड हम दोनों मियाँ बीवी हिलाते रहते हैं घर में, कभी इधर रख दिया कभी उधर रख दिया, सेटिंग चेंज करते रहते हैं। लेकिन या फिर सेटिंग चेंज होने के बाद जो लुक आया ना, वो गजब का लगा, सबको पसंद आया लुक। तो सेटिंग चेंज होने के बाद मैंने लगाए झाड़ू वाड़ू, सफाई वगैरह करी, सोफे के कवर वगैरह चेंज करे, बेडशीट चेंज करी, क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत हो गई थी, तो फिर इसलिए सब कुछ चेंज वगैरह कर दिया था मैंने यहाँ पे। शर्मा जी ने फिर से घर की सेटिंग चेंज करवा दी है, जो कि कुछ करवाई है ऐसी। बेड सिंगल बेड अंदर था, अंदर से आ गया बाहर, उधर सोफे लग चुके हैं। बैक कैमरा करके दिखाती हूँ क्यों चेंज कराई, और इधर बताऊँगी अभी। ये है मेन एंट्रेंस, एंट्रेंस करते ही यहाँ आ जाएगा टीवी, जो कि अंदर रूम में था। शर्मा जी ने फिर यहाँ लगा दिया, एक सोफ़ा उधर आ गया, ये कॉर्नर आ गया, ये बेड अंदर वाले रूम में था जो कि बाहर आ गया, पिल्लों में कवर डालने हैं। और देन कुछ बैठक हो गई है ऐसी। कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। देन ऊपर टांग दिए दोनों टैडी, एक इधर एक इधर, इधर ही हमारे हैं इधर ये। और यहाँ कुछ ऐसा हो गया है, ये स्टोर हमारा है ही, साफ किया था जो कर्टन वगैरह। इधर बाहर का रास्ता है, इधर ये टीवी एंड टैडी, ऊपर लाइट पड़ रही है ना तो वैसा दिख रहा होगा, ये टीवी एंड टैडी है। तो एक एक चीज़ कोने कोने को सजा दिया है। कैसा लग रहा? ये ग्रीन वाली मैट अंदर थी ना, तो यहाँ बिछादी जो यहाँ थी वो अंदर बिछादी। अब यहाँ दिखाती हूँ ये अंदर वाला रूम। तो ये अंदर वाला, यहाँ टीवी लग रहा था अंदर वाला हमारे बेडरूम में। ये मेरी अलमीरा है, अलमीरा का मूवी अभी घूम जाएगा। और इधर हो गया खाली रूम, इधर मैं बनाऊंगी अपना फुल स्टूडियो। अभी ये है, ये भी हटेगा बाद में। कुछ ये अंदर वाला रूम जो कि अभी पूरा खाली है। यहाँ पे स्टूडियो देखेंगे, स्टूडियो बनाएंगे, नहीं होगा तो बेड का है हमारा प्लान, बेड लाना ही है बाद में। फिलहाल तो स्टूडियो बना हुआ है, बाद में जब डबल बेड आएगा तब देखेंगे, है ना। क्योंकि वहाँ मेरे बैग वैग ऐसे रखे हुए ना, कि साड़ियाँ हैं महंगी महंगी, लहंगा है, गाउन है, तो सब उसमें ऐसे पड़ा है अभी बैग के अंदर। तो इसीलिए कुछ इस तरीके से कर दिया है। और मैं जा रही हूँ उस वाले रूम की साफ़ सफाई करने, उधर वाले की। जैसे आज नहाना भी, इसको भी नहलाना है जल्द से, तो वो सब उठाना है। मम्मी चलो दादा, इसकी दिवाली हो गई शुरू। ठीक है गाइस, अब आ जाओ उधर ही, आ रहे हैं यहीं बैठ रहे हो, पर दो लाइट ऑफ। तो गाइस आ गए अब इस वाले रूम में, अब इस वाले रूम की साफ़ सफाई बाकी है। इधर सारा फैला हुआ है, वो सामान लाए थे वो सब खाली करना है। पंखा फोन कर लो, गर्मी लग रही है। हाँ चार्जिंग पे लगा रही हूँ। और गाइस अब करती हूँ फटाफट से काम, फोन लगाती हूँ चार्जिंग में, बैटरी बिल्कुल नहीं है। काम करते करते लगी थी भूख, तो शर्मा जी ने मंगाए छोले भटूरे। मतलब सुबह से भूखे प्यासे लगे पड़े हैं, डेढ़ बज चुके हैं, पहले कुछ खा पी लेते हैं। भूख लग रही बड़ी जोर की। सब क्या मंगाया? छोले भटूरे मंगाए हैं, फटाफट से खाते हैं। पहले तो मैं चाय बनाती हूँ, चाय। तो यहाँ आ गए थे छोले भटूरे, तो छोले भटूरे के साथ बनाई थी मैंने चाय, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था तो भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो यहाँ मैं चाय बना रही थी, और यहाँ नीचे से लाडो आ रखी थी, तो लाडो भी कुछ कुछ बात कर रही थी मुझसे। हाँ, व्लॉग के बारे में बोल रही थी, क्योंकि मैंने व्लॉग डाला था तो वो व्लॉग देखने के लिए नीचे गई थी, तो वही बता रही थी, आंटी मैंने आपका व्लॉग देखा, लाइक किया। चुका खाना, हम लोग खा रहे हैं छोले भटूरे पराठे, सब मिक्स करके खा रहे हैं। भूख लग रही है बड़ी जोर से। कैसा बना लाडो? मिर्ची तो नहीं है? बढ़िया। इधर ये हैं, पापा भी आ रहे हैं। दिवाली में हम लोग कर रहे हैं भटूरे पार्टी। मैंने दिया पता है, सिद्धू ने दिया हमें भटूरे पार्टी, है ना। छोले पार्टी हम दे रहे, भटूरे पार्टी सिद्धू दे रहे। तो गाइस भूख लग रही है बड़ी जोर से, खा लेते हैं फिर मिलते हैं। सिद्धू आएगा।
इसे हम नहाएंगे। हर हर गंगे पूजा करेंगे चौकी की, इसे सिद्धू के पापा नहाएंगे। तो गाइस ऐसे लोटे हटा लिए हैं, चौकी बाद में सही करेंगे, बाद में हटाएंगे दिवाली के लिए, जैसी वो होगी। फिलहाल ये लोटे वगैरह सब हटा लिए, नहा के आती हूँ, इसको नहा के आती हूँ, फिर मिलते हैं नहावा के। चलो सिद्धू खड़े फटाफट 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 तू दे ला, मैंने नहीं, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। मैं दादू आ गए थे वर्किंग। तो गाइज यहाँ पे मैं सिद्धार्थ को रेडी कर रही थी, क्योंकि आज नरका चौदश थी, तो वो जो जल रखे थे ना होई के लोटे, उससे नहलाना था सिद्धार्थ को भी। मैंने भी, पापा भी उससे सुबह नहा के चले गए थे, फिर मैंने भी सिद्धू को नहला दिया था, फिर मैं भी नहाने चली गई थी, फिर नहा के रेडी होके आई हूँ। हो चुकी हूँ नहा के रेडी, बस फटाफट से अपनी वो डाल लेते हैं होई माता गले में, है ना, फिर लोग दिखाते हैं हम आपको पूरा कैसा लग रहा है। जय माता दी। या मैं नहा के रेडी होके आ गई थी अपनी होई माता को पहनने के लिए गले में, बस ऐसे हाथ जोड़ के, क्योंकि जब मैंने लोटे हटाए थे तो मैंने होई, अपनी जो होई माता थी वो मैंने वहाँ होई वाले के उसमें लगाती थी फ़ोटो में, माता जी के, होई माता के। फिर उसके बाद मैंने अपने गले में हाथ जोड़ के मैंने ऐसे करके पहननी थी माथा टेक के। तो गाइस डाली मैंने अपनी होई माता को, थोड़ी सी नीचे होनी थी, है ना, शर्मा जी ने धागा छोटा ही बांध दिया। तो ये होई माता है, इनको दिवाली वाले दिन, बड़ी दिवाली वाले दिन भोग लगा के रख दिया जाएगा अपनी अपनी जगह पर। आज पापा अपनी वाली पहन के गए हैं और मैंने अपनी वाली पहन ली है। तो गाइस कुछ ऐसा है मेरा लुक पूरा, जिसके नीचे ना लहंगी थी, हटो से जिसके नीचे लहंगी थी, बट मैंने प्लाजो वेयर कर लिया, एंड ये कुर्ती है, एंड ये मैं हूँ। कैसा लग रहा है लुक कमेंट में जरूर बताना। नेट का दुपट्टा था, कैसा लगा आपको मेरा लुक? आज है नरका चौदस, तो ये सिद्धार्थ का लुक है। करवा चौथ नहीं है, आज है नरका चौदस, जो भी छोटी रुको जो भी छोटी दिवाली को बोला जाता है नरका चौदस वो है। तो आज के दिन हमें होई पहननी थी, तो मैंने होई पहन ली, पापा ने अपनी पहन ली, हेलो तो ये पहन ली। अब शाम को मार्केट जाऊंगी, इसके कपड़े लेके आऊंगी सिद्धार्थ के, दादू को तो आन दो, पटाखे वगैरह लेके आने हैं बस, और फिर मंदिर करेंगे डेकोरेट। मंदिर के लिए हमको सोचा है अपने हाथ से सजाएंगे, मैं और सपना जी पूरे अच्छे से डेकोरेट करेंगे। बताना जरूरी है सबको, जो भी है ना उसकी दंडिश है। गाइस फटाखों को लगाइए धूप, सिद्धू ने और सिद्धू के नानू ने जो कि पिछले साल के बच गए थे, यहाँ धूप से सुखा रहे थे। बाकी के पटाखे आज लेने जाएंगे, बाकी के आज लेने जाएंगे पटाखे मार्केट। दुकान लगा दी मैंने, दुकान लगा दी मैंने, देखो तो पापा आ रहे हैं, उसके बाद जाएंगे हम लोग मार्केट। यहाँ पे मैं बना रही थी बाती और चकोर दिया बनाया था मैंने आटे का, आज के दिन बनाया जाता है क्योंकि नरका चौदस प्लस मतलब छोटी दिवाली को नरका चौदस कहा जाता है। तो आज के दिन नियम का दिया जलता है चकोर वाला, वो चाहे आप आटे का बना लो, चाहे वो मार्केट से आता है ना रेडीमेड चकोर वाला, आप वो भी ला सकते हो। तो बट मैंने घर पे ही आटे का दिया चकोर वाला बना लिया था, फिर मैं यहाँ पे जला के उसको ले गई थी बाहर दहलीज पे रखने के लिए। दहलीज पे नहीं मतलब ना बीच में रखा जाता है, तो मैंने तीनों कमरों के अपने बीच में ऐसे दिए को लगा दिया था और बस ऐसे हाथ जोड़ के मैंने इसको रख दिया था। और शर्मा जी अंदर बैठ के मंदिर वगैरह बना रहे थे, तो मैं अपना यहाँ काम निपटा रही थी, तो दिया वगैरह मैंने यहाँ रख दिया था, एक ही दिया रखा था चकोर वाला, तो ऐसे ही रखा जाता है। ये आज के दिन दिया जला दिया है, आज के दिन जलता है एक दिया चकोर वाला, आटे का बना लो चाहे चकोर वाला वैसा जला लो, वो जला दिया है, यम का दिया जो बोला जाता है जला दिया है। मेरी सब्जी अब पूरी बनाऊँ या क्या बनाऊँ, पूरी रोटी जो खाएंगे वो गर्म गर्म बनाऊंगी। यहाँ शर्मा जी तैयार कर रहे हैं मंदिर, जो कि नीचे मतलब लगेगा पूजा के लिए, सजा रहे हैं डेकोरेट, कह रहे पूरा केदारनाथ बनाऊंगा मैं घर पे, केदारनाथ जी आएंगे हमारे, बाकी पूरा भी नहीं दिखाऊंगी, पूरा मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, ठीक है। कल के ब्लॉग में भी कुछ चाहिए, कल के ब्लॉग में भी कुछ कुछ चाहिए, कल के ब्लॉग में दिखाएंगे पूरा। बस अभी फिलहाल ही समझ रहा है सिद्धार्थ का टेंट हाउस है, उसके स्टिक हैं तो उससे बन रहा है, देखते हैं कैसे कैसे दिमाग चलेगा। डेकोरेशन मेरे दिमाग में है कैसा करना है, बेटा देखियो यूं करके आएगा तो लड़िया आई हूँ, पूरा प्रॉपर मंदिर जैसा होता है,
सेम सिचुएशन। अपनी वही माता को दिखा दो। देखो मैं भी ज्यादा थोड़ा बहुत दुख दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत तो दिखाई दूंगा, समझा दूंगा। अपनी वही माता है? वही माता। तो गाइस सुबह पापा ने पहनी थी, अब इन्होंने पहनी है। बस इसमें डेकोरेशन हो जाएगी। हाँ लाइक आइट आगे बढ़िया। अभी मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। अब सीधी सामने दीवार चिपका के बढ़िया नीचे पटरा रख के आगे दिए दाए लगा के मस्त डेकोरेशन करूँगा। आधा मंदिर रेडी हो चुका है हमारा, टेप हाथों में चिपका रखा है और इससे ज़्यादा तो नहीं दिखाऊंगी, इतना ही दिखाऊंगी, बाकी का मैं कल दिखाऊंगी, ठीक है ना? है ना, प्रॉपर तैयार हो जाएगा। हाँ बस कल के उसमें शूट हो जाएगा ना, जब रखा जाएगा ना मंदिर के स्थान पे जहाँ पूजा होगी, तब आपको और मज़ा आएगा देखने में। इस बार का मंदिर हम खुद रेडी करेंगे, करते तो हर बार है, पर हर बार खाली चौकी लगाते थे और सजा देते थे, लेकिन इस बार प्रॉपर मंदिर तैयार कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो थोड़ा सा दिखा देती हूँ बैक कैमरा करके। मैं भी कैमरे के पीछे काम करवा रही हूँ, सोचो शर्मा जी कर रहे हैं। नहीं दोनों मिलके हम गाड़ी के वो दो पहिए हैं जो जुगाड़ भी कर दें और गाड़ी को टॉप स्पीड पे भगा भी दें, जीत के भी नहीं हार के भी जीत जाएं। गाइस हम गाड़ी के वो दो पहिए हैं ना, उनके बिना मेरी गाड़ी चलती है ना मेरे बिना उनकी गाड़ी चलती है, मिलजुल के कर लेते हैं दोनों 50-50 काम बांट लेते हैं, ठीक है? अभी दादा पोता और नानू तीनों गए हैं गाड़ी में घूमने। हां यूं में ना जैसे यूं दिखा, अब उसको वीडियो को रोकोगे? हम वेट कर रहे हैं इन लोगों का कि आए तो हम लोग मार्केट जाएं, पता नहीं कहाँ लापता है, तीनों के तीनों घूमने गए हैं, अब आएंगे तो ही जाएंगे मार्केट। पहले मार्केट, ठीक है? मार्केट कौन से सारे जा रहे हैं, चलो गाड़ी जाओगे? अरेपुरी तो जाना है, स्कूटी दो गाड़ी हो तुम बाजार में मरवा रहे हो, और गाड़ी भीड़ होगी मार्केटों में वैसे। मार्केट सब लोग कपड़े लेके आते हैं, सारे सब सब आए हैं, ठीक है? मार्केट में मिलते हैं। यहाँ हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए, पापा बैठे थे ससुर जी के साथ, यहाँ हम दोनों, वहाँ पे वो तीनों थे स्कूटी में, और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। इतना प्यारा लग रहा था ना लाइटिंग से, इतनी अच्छी लाइट लगा रखी थी ना सब ने, बहुत जगमगा रहा था हमारे घर का एरिया। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे मिठाई लेने, क्योंकि इतनी मिठाई होने के बाद भी पापा को था मिठाई लेनी है, तो मिठाई ले रहे थे। फिर पापा ने मुझे कहा जानवी तू ले ले अपनी पसंद से जो लेनी है, मैंने कहा मुझे मीठे का इतना शौक़ नहीं है, मैं मीठा नहीं खाती हूँ, बाकी आप लोग देख लो जो ठीक लगे। की शॉप पे कपड़े देखने से थाट के इसकी शॉपिंग कर लेते हैं, उनकी बाहर मीटिंग चल रही है। फिर आ गए थे हम लोग कपड़े लेने सिद्धार्थ के लिए, और ले लिया था जो पसंद आया था मुझे, वो ले लिया था स्टार्टिंग में ही, मतलब जो उन्होंने दिखाया था ना वही मुझे पसंद आ गया था सिद्धार्थ के लिए। एक नज़र पे ही कार्गो और शर्ट वगैरह थी तो वो मैंने लिया था। उसके तो मैंने पापा को भी बुलाया, मैं कहा पापा देख लो, वैसे तो मेरी पसंद सबको पसंद आ जाती है, मैक्सिमम घर के सभी लोग मेरी ही पसंद के कपड़े पहनते हैं, चाहे मेरे पापा हो या मेरे ससुर जी हों, सिद्धू तो खैर पहनता ही है, सिद्धू के पापा भी, तो कहते तुम देख लो पापा, मेरे ससुर जी बोलते तुम्हें जो पसंद है वो देख लो, मेरे लिए भी अपनी पसंद से ले आना, तो कई बार बोल देते हैं वो भी कि जानवी ये पसंद अच्छी है, चॉइस अच्छी है। तो इन्हीं भैया के यहाँ से मैं लेती हूँ कपड़े सिद्धार्थ के, जब भी मुझे मतलब लेना होता है मार्केट से या किसी के लिए भी, तो बच्चों के कपड़े यहाँ अच्छे मिल जाते हैं, थोड़ी सी रेंज हाई होती है, बट कोई नहीं जानकार है भैया तो कितना करेंगे, है ना, 150 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन वैरायटी मिल जाती है कपड़े की, तो इसलिए मैंने जो स्टार्टिंग में देखा था वही मुझे पसंद आया और वही मेरे पापा को पसंद आया। तो पापा भी देख रहे थे, कह रहे ये वाला अच्छा है, यही देख ले, यही ले ले, तो फिर मैंने वही लिया था जो मुझे शुरू में पसंद आया। ये भैया ने विंटर के भी कपड़े दिखाए थे, तो विंटर के कपड़े मैंने नहीं लिए थे, भैया भी हमारे जानकार ही हैं वैसे। तो गाइस ले लिए पटाखे सिद्धार्थ के लिए, पटाखों की शॉपिंग हुई है अंदर।
यहाँ हमने लिए थे पटाखे, क्योंकि सिद्धार्थ को सबसे पहले हाथ रखा सिद्धार्थ ने रॉकेट पे, तो रॉकेट पर लिया उसने। बाकी जितने भी पटाखे थे सब उसी के पसंद के हैं। बाकी बस मैंने भी ले लिए थोड़े बहुत, लेकिन अब ना मुझे पटाखे वगैरह का शौक़ रहा नहीं इतना, क्योंकि मैं और सिद्धार्थ लगे रहते हैं। शर्मा जी कहते हैं मुझे शौक़ नहीं है जलाने का, मैं नहीं जलाता हूँ, तो इसलिए मैंने कहा उस हिसाब से पटाखे लेना, क्या फ़ायदा फालतू पास पटाखों पर पैसा खर्च करने का। फिर भी ले ही लिए, इन्होंने माने ही नहीं। तो गाइज घर आ गए हैं, अब फटाफट जाती हूँ फ़ोन चार्जिंग पे लगा के खाना बनाने। पूरी वूरी बनाऊंगी, बस खाना वैसे बना हुआ है, सब्ज़ी वगैरह पूरी बनानी है, फटाफट से बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ। तब तक मैं फ़ोन भी चार्ज कर लेती हूँ, फ़ोन पे बैटरी है कम। बस घर आके मैंने फटाफट से फ़ोन चार्जिंग में लगाया, उसके बाद पूरियाँ उतारी, एक तरफ सब्ज़ी गरम करी, क्योंकि सब्ज़ी बना के गई थी मैं आलू मटर की, अच्छी बनी हुई थी गाढ़ी गाढ़ी सी। उसके बाद मैंने पूरियाँ उतारी, फिर सबका खाना खुना खिलाया। खाना वाना खा के आ गए, 10:30 हो रहा टाइम, देखो देखिएगा, सॉरी किचन ना लाइटिंग पड़ती है तो ब्लर ब्लर सा आता है। तो खाना वाना खा के आ गए रूम में, शॉपिंग करके आ गए थे, 10 बजे आए ना, 9:30 बजे हम लोग घर आए। उसके बाद आके खाना वाना बनाया, अब खावा के फ्री हुए थे, तो मैं दिखा देती हूँ क्या क्या शॉपिंग करके लाए हैं। तो मैं देखो इतने दिन से अब आई हूँ, मतलब इतने दिन से अब गई हूँ मार्केट, बस कल गई थी मिठाई मिठाई देने मार्केट में, तब भी नहीं गई। आज मुझे ले ही गई कि चल मार्केट अपने पसंद से ले लो, क्या लेना है क्या नहीं लेना, क्योंकि मेन सिद्धार्थ के कपड़ों का था, तो दिखाती हूँ मैं आपको ब्लॉग में, दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या लेके आई हूँ शॉपिंग करके मार्केट से। सबसे पहले तो है इतने सारे पटाखे, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए और सिद्धू के आते हैं, ना इन्हें शौक है ना मेरे ससुर जी को शौक है, मेरे पापा फोड़ लेते फोड़ लेते हैं। मेरा फेवरेट वो है ये उनका छाप, जो एक बारी लड़ी लगा था बटर 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 करते हैं ना, वो सबसे बढ़िया लगता है। सिद्धू ने पता है सिद्धू ने जाते ही ना फुल झड़ी में हाथ रखा, वो इसमें रॉकेट में हाथ रखा मेरी तरह, सबसे बड़े बम में मैंने कहा भाई पसंद कर लो, उसके दादू ने कहा पसंद कर लो, तो कह रहा ये मैंने कहा रॉकेट, कह रहा हाँ अच्छा जी, रॉकेट के 2 डब्बे लिए उसने, ये रॉकेट के 2 डब्बे लिए उसने। इसमें से भी पटाखे बच जाएंगे, छूटते नहीं है, ये हंटर है, 2 दिन तक ये तो उसने फुल झड़ी के लिए अब चला रहा है 2-3 दिन से, इसमें अनार बनार बहुत सारे हैं, क्या बनाऊँ रात को अपना पैसे दिखा देती हूँ थोड़ा करके, ठीक है। तो एक कैरी बैग कितना पटाखों का है, 5-7 हज़ार रुपये के तो यही आ गए, हो गया पैसे इसके पटाखों, ठीक है। उसके बाद लाए हैं मिठाइयाँ, ये एक आधुनिक, 2-3 एक पापा ले गए, जो पापा सुबह देने देंगे किसी को, तो पापा ने रख लिया, ठीक है। ये होगा कितने 5 रुपये हम अभी लाए हैं, ठीक है। बाकी में हमने मंगाए थे शर्मा जी ने ऑनलाइन, 1-2-3-4-5 आधे दे चुके हैं मिठाई के डब्बे, फिर भी नहीं मतलब इतना मीठा होने के बाद भी कम पड़ा, तब भी चलो मिठाई पापा जी चलो मिठाई लेने मतलब कितनी मिठाई लोगे, बहुत है भाई बच जाती है फिर मिठाइयाँ घर में। अभी भी वो जब से पेठा खा रहा है सिद्धू पापा के पास जा जाके नानू के पास अपने, ठीक है कुछ मीठा मीठा तो दे दो, मैंने कहा पेट में क्या है बहुत मीठे का धसके, मैं कभी पेठा खाया मीठी कोल्ड ड्रिंक पी, फिर भी पेठा खाना है। ऐसे ये हैं, इसमें भी पटाखे हैं सिद्धू के, सारा बॉक्स उठा लिया था लग रहा है, कोई नहीं है तो पूरी बैटरी खा ली, बताओ कुछ नहीं है बस पटर 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 वाले ना, गन वाले लेके आया है पता ही तो है ना, गन वाला ये लेके आया, ये फुक मार लेके आया, ये हंटर लेके आया मेरे लिए 5-7 हज़ार रुपये पटाई, मैं भी मना करती हूँ पहले खा शादी से पहले शॉपअप नहीं है तो मैं तो रहने दो छोड़ो क्या लेने पर नहीं तो छोड़ी भी मैं पापा छोड़ो ना क्या करना फिर, अच्छा पटा दिलाओ उसको, ये फोड़ने में चलो नीचे करेंगे लोग फोड़ने भी देंगे ढंग से, और ये सिद्धू की ड्रेस थी, बाकी ये 2 लड़ी लाए थे मंदिर के लिए, क्योंकि कल डेकोरेशन होगी मंदिर की अच्छे से सजाएंगे, वो दिखेगा आपको ब्लॉग में, ये 2 लड़ी लेके आए हैं। सिद्धार्थ के कपड़े लेके आई हूँ, माय गॉड ऑनलाइन सही पड़ता है मुझे इसके कपड़े से, कहते हैं ऑनलाइन मंगा लो देख लो कौन सी ड्रेस ली है, 2-3 पसंद आई थी तो
जो ली है दिखाऊंगी नहीं, कब तक कल दिखाऊंगी। इसकी मुझे पड़ गई 1300 रुपये की ड्रेस मार्केट में, जो कि ऑनलाइन मेरे 1000 रुपये के अंदर मान लो दो ड्रेस मेरी मैक्सिमम आ जाती है, लेकिन 1300 की इसकी ड्रेस पड़ी है सिर्फ। और हमारे भैया हैं, भैया की शॉप से ही लेते हैं हम लोग शर्मा गारमेंट्स, जहाँ से हमने सोना के कपड़े लिए थे मैंने उसको जब हुई थी ना उसको देने के लिए, छुट्टी के कपड़े 5 जोड़ी कपड़े मैंने वहीं से लिए थे, वो भी मेरे पड़ गए थे 5-6 हज़ार के कपड़े मैक्सिमम। बच्चों के कपड़े बहुत महंगे होते हैं, इसलिए मुझे सबसे बढ़िया ऑनलाइन लगता है। मैं पहले शॉपिंग करता हूँ, अभी तो भैया दूसरे उसकी ड्रेस देनी पड़ेगी, वो तो खैर मैंने चलो ऑनलाइन ऑर्डर करी हुई है ड्रेस होता है वो आ जाएगा, ठीक है। गाइस ये शॉपिंग करी है, ज़्यादा कुछ नहीं लिया, ज़्यादा बड़ी शॉपिंग ज़्यादा कुछ किया कैसे देख रहे हैं, इसी में भट्टा बैठ गया पूरा। त्यौहार है नहीं, देखो एक बात तो है, त्यौहार पे अपना खुला खर्चा करो, यानी जितना हाथ खोल के खर्चा करोगे उतनी लक्ष्मी आएगी, जितना कंजूसी से करोगे ना उतना भगवान भी कंजूसी से देता है, ये बात फैक्ट है, मैंने नोटिस की हुई है। तो इसलिए घर की लक्ष्मी को खुश रखो, खुला खर्चा करो, जिसका जितना बजट है उस अकॉर्डिंग करो, कंजूसी दिखा के मत करो, है ना। क्योंकि भाई दुनिया में हर प्रकार का आदमी है, हर प्रकार का इंसान है, इसलिए अपना जैसा बजट हो वैसा खर्चा करना चाहिए। और आज से छोटी दिवाली, तो आप सभी को हैप्पी छोटी दीपावली एंड हैप्पी दिवाली का विश कल के ब्लॉग में विश करेंगे, ठीक है। आज आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपका आज का दिन कैसा रहा। और दूसरी बात देख लो, दूसरी बात आज घर की सेटिंग करी कैसी लगी कमरे जरूर बताना, सबने तारीफ करी सेटिंग की बहुत बढ़िया सेटिंग बैठी है। अब एक्चुअली क्या ये वाली जो रूम है ना सेटिंग वाली नहीं है, मारना पड़ता है बार बार इधर से उधर उधर से, इधर भारी भारी पैड मतलब खिसकाते हैं हम दोनों भैया, खाली भी नहीं करते हैं बस भरे भरे खिसकाते हैं, क्योंकि पता है भैया दीवान खाली करना महाभारत पूरा दिन जाता है। तो इसलिए अब कल भी मेरे बहुत काम रहेंगे, बहुत काम है कल भी, कल लास्ट है, उस पर गोवर्धन है भैया, फिर भी तुम गोबर वोबर ला के रखोगे ना, हम एक फोटो ले लेते हैं, बाकी मिलते हैं। आई होप कैसे लोग आपको पसंद, और हमने हुई माता आज पहनी थी, सो हुई माता पहन ली, कल दिन की पूजा करके वापस रख दिया जाएगा अपने अपने साल पे जहाँ पे रखते हैं हम लोग, तो वहाँ को रख दिया जाएगा। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट में जरूर बताना, आई होप कैसे लोग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल जैनवीर किशन ऑफिशियल, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो, ठीक है।